हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये मैंने पेंसिल फ्लावर यूज किए, यहाँ पर मैंने पोम पोम बोल यूज किए और यहाँ तोरण पट्टी के ऊपर यहाँ इस जगह पर मैं इस वाले कलर के पेंसिल फ्लावर लगाऊंगी बना के। तो एक पेटल मैंने बनाई है, एक मैं बना के दिखाऊंगी और तोरण पट्टी बना के दिखाऊंगी थोड़ी। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे। तोरण पट्टी के लिए हमें 9 चेन लेनी है। 9 चेन जब हम स्टार्टिंग में ले लें उसके ऊपर 7 डबल क्रोशिए बना लेने। ये 7 डबल क्रोशिए, इसके बाद हमें डिजाइन स्टार्ट करना है। तो एक 3 चेन ले लेनी है और एक डबल क्रोशिए और बना लेना है। यहाँ पर 4 चेन लेनी है और लास्ट के 2 बना लेने हैं। डबल क्रोशिए में ये राउंड हमारा ऐसे आएगा। तो ये 4 चेन लिए हमने और 3 डबल क्रोशिए इसके बीच के छोड़ दिए, 2-2 बना लिए साइड में। वापस 3 चेन ले लेंगे, एक डबल क्रोशिए बनाएंगे, अभी जो ये 4 चेन ली है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिए बना लेंगे। और लास्ट वाले भी बना लेंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा। वापिस से लेंगे 3 चेन, डबल क्रोशिया एक, 4 चेन ले लेंगे, 2-3-4 और लास्ट के 2 बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन बन जाएगा तोरण पट्टी का, हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है। इसकी फिनिशिंग भी कर सकते हैं। साथ ही बना लेंगे। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमने डिजाइन बना के तोरण पट्टी का तैयार किया है। तो एक पेटल हमने बना ली है, एक पेटल ये हमारी इस वाले पार्ट में और बनेगी। अगर आपको फूल तोरण बनाना है तो 3 पेटल में फूल तोरण बन जाएगा। तो ये मैं एक पेटल बना के दिखाने वाली हूँ। स्टार्टिंग हम इस साइड से करेंगे, यहीं पे बांधेंगे इसी में। एक चेन ले लेंगे और यहीं से स्टार्ट कर देंगे पप बनाना। ये मैंने एक में 5 टाइम डाला है, 1-2-3-4 और ये 5। ये आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अभी एक चेन लेंगे और एक चेन और ली है मैंने, इतना गैप रखा है बीच में। वन
इस तरह से ये चार पप बनाने। ये मैं दो छोड़ूंगी, बीच में एक बॉक्स छोड़ना है, इसमें दो बॉक्स छोड़े हैं हमने टोटल, तो एक ये छोड़ना है और यहाँ बांधना है। ये आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं, दो बॉक्स या एक बॉक्स छोड़ सकते हैं। इनमें मैंने दो दो बॉक्स छोड़े हैं और थर्ड वाले में बांध लिया। दो छोड़ दिए, वापिस से बनाएंगे सेम, और इसी तरह से दो दो बॉक्स छोड़ के टोटली हमें 1 2 3 4 5 बनाने हैं। एक चार और बनाने, तो ये देखिए ये पांच बन गए हैं हमारे बॉक्स, 1 2 3 4 5। अभी हमें कम करते जाना है, इनको 6 करना है 5 से, तो उसके लिए हम धागा अलग करके भी ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर धागा अलग नहीं करना है तो इस तरह से लेके धागे को स्लिप स्टिच लेके इसके ऊपर से, और ये जो है इसमें डाल लेंगे, फिर ये खींचेगा भी नहीं और खुलेगा भी नहीं। इस तरह से, इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए एक और लेंगे, क्योंकि हमें दो दो हैं जो इसके बीच में जाना है। यहाँ पर एक चेन बना ली, ये देखिए इस तरह से ये स्लिप स्टिच लेना है। अभी सेम ऐसे ही बना लेने वापस से, चार चार पफ बनाने, और इसी तरह से दोनों साइड में कम भी करने हैं। तो इस तरह से हमें कंटिन्यू बनाना है जब तक हमारा एक बॉक्स बचे। ये 5 मैंने स्टार्टिंग किए हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो इस तरह से एक बॉक्स बचेगा तब तक हम बना लेंगे। एक चेन और एक और, एक पफ और बनाएंगे, तो ये देखिए 4 बन गए हैं। एक चेन लेंगे और इसको इसके ऊपर बीच में बांध देंगे। तो ये देखिए पेटल तो बनके तैयार हो गई है हमारी, धागा निकाल देंगे।
पेंसिल फ्लावर बना सकते हैं स्केच पे या पेंसिल पे। इस तरह से इस तरह से जितने आपको चाहिए बना सकते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डिजाइन बनके तैयार है। बहुत सुंदर डिजाइन है ये देखिए। अब इसे दो पेटल में भी बना सकते हैं, एक इधर और एक इधर, और ये बीच में। ये मैंने छोटी पेटल बनाई है तो इसमें तीन पेटल बनेंगी। आप दो पेटल बड़ी बना के दो पेटल का तोरण भी ये तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिजाइन हमने बना के तैयार किया है। तो अगर आपको डिजाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।